देश में कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु जगह जगह वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं, जहां कोविड वैक्सीन का टीकाकरण का क्रम जारी है। इसी के चलते खरगोन जिले की तहसील गोगांव में भी 2 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें एक स्थान पर 45 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्तियों को तो दूसरे स्थान पर 18 वर्ष वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें नगर के युवाओं और बुजुर्गों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ जगहों पर नागरिकों में वैक्सीनेशन को लेकर गलत धारणा मन में बैठ चुकी है, जिसे दूर करने और ऐसे लोगों को उत्साहित करने को लेकर शुक्रवार को गोगांव के समाजसेवी डॉक्टर सलीम अहमद और पत्रकार इकबाल हकीम ने वैक्सीन सेंटर पहुंचकर कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया, ताकि नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समाजजनों में वैक्सीन के प्रति बैठी गलत धारणा दूर हो। वहीं डॉक्टर सलीम अहमद ने समाज के लोगों से आग्रह किया है कि वह आगे आएं और वैक्सीन लगाएं। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये वैक्सीन हमारा सुरक्षा कवच है। अफवाहों से बचें, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वैक्सीन अवश्य लगाएं। गोगांव से इकबाल हकीम की रिपोर्ट। मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे ये महामारी फैली है और भारत के अंदर वैक्सीनेशन हो रहा है, तो मैं समाज के सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि आप लोग आगे आएँ, डरें नहीं और वैक्सीनेशन करवाएँ, ताकि देश जो है कोरोना मुक्त हो सके। आपका क्या नाम? डॉक्टर सलीम अहमद, प्रदेश कार्यसमिति भाजपा सिंह मोर्चा। ये जो वैक्सीनेशन हो रहा है, ये कोरोना से बचाव के लिए हो रहा है, और जितनी अधिक संख्या में वैक्सीनेशन होगा, हम कोरोना को उतनी जल्दी काबू में पा सकते हैं। वैक्सीनेशन करवाने के बाद आदमी कोरोना नामक संक्रमण से लड़ने के लिए अपने शरीर को सक्षम बना लेता है, इसलिए डरे नहीं और वैक्सीनेशन अवश्य करो, ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। आपका नाम? हेमेंद्र कानून। मैं नगरवासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि 18 प्लस का और 45 प्लस का जो वैक्सीनेशन का जो सेशन चल रहा है, और उसका ग्रामीणों ने पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। यह एक अमृत के समान है। मेरे ख्याल से मेरी जहाँ तक जानकारी है, वैक्सीन अनिवार्य है, और जितना वैक्सीनेशन होगा संक्रमण उतना उस पर नियंत्रण होगा, और हम चाह रहे हैं कि 100% वैक्सीनेशन गांव में होगा, और जिस दिन वैक्सीनेशन 100% हो जाएगा, उस दिन संक्रमण को कोरोना वायरस को बिल्कुल गोगांव छोड़ना पड़ेगा। क्या नाम लिखते हैं? ओम प्रकाश यादव, सचिव ग्राम पंचायत गोगांव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।